आप कह रहे हैं कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो क्या ऐसी महिला की आरती करनी चाहिए अंजना जी? गिरफ्तार करेगी पुलिस को? पुलिस कर्मियों को गोलीबाजों को कौन करेगा गिरफ्तार? आप बीच में मत बोलिए, गोलीबाजों को कौन करेगा? मैडम आप इलॉजिकल साउंड कर रहे हैं, और साथ में लक्ष्मी जी उनको कौन गिरफ्तार करेगा? इतनी सीरियस कौन करेगा? जब मजाक बना के रखते हैं, विष्णु शंकर जैन जी जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा भारत इनके साथ है, इन पे पर्सनल अटैक करते हैं ये लोग, जैन समाज के हमारे मंदिर टूटने पर लड़ रहे हैं, और पांच पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। जैन को कोई इसकी परवाह नहीं है अंजना जी, ही इज क्रिएटिंग नॉनसेंस। आप देखिए, पांच पुलिस कर्मी घायल हुए, एसएसपी घायल हुए, इंजर्ड हुए, उसका क्या? और ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम कभी भी नहीं था, मुस्लिम वर्सेस पुलिस था, ये टकराव पुलिस कर्मियों पर हुआ है, और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए यहाँ पर ये बातें करके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर्वे से क्या प्रॉब्लम थी? बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके सर्वे में से पानी सर्वे खोलने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने इकट्ठा सर्वे करने से फोटोग्राफी की इजाजत दी थी कोर्ट ने, ये क्या करा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन, क्या करा रहा था? एक बात बताइए अंजना जी, बहुत गहरी बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ, ये जो अटैक है, ये शासकों ने हमारे मंदिरों पर ही अटैक क्यों किया? तब भी तो इतनी बड़ी लैंड पड़ी थी ना, वहां पर भी तो ये मुगल लोग अपनी मस्जिद सकते थे ना, क्यों अटैक किया? क्यों अयोध्या काशी मथुरा पर अटैक किया? मालूम है आप, जब मुसलमान नहीं आए इससे पहले कौन मंदिर बनाया था? आप जानते हैं, प्लीज हाजी खान साहब, देखिए इलॉजिकल साउंड कर रहे हैं, इलॉजिकल नहीं है। मुसलमान आने से पहले जो एक रात दूसरे रात को हरा देता था, आप एक मिनट चुप रहेंगे? आप देखिए क्या कर रहे हैं, बीच में क्या कर रहे हैं, इलॉजिकल साउंड मत। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि क्यों ऐसा किया मुगल एम्परर ने, क्यों ऐसा किया? जो बादशाह आए, चाहे वो दिल्ली की सल्तनत थी, चाहे वो मुगल थे, इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि अयोध्या काशी मथुरा संबल ये हमारी डिग्निटी की जगह है, गर्व है, गलत बयान कर रही है, और भारत की धरोहर को, कोई मस्जिद नहीं बन सकती किसी मंदिर को तोड़ के, कोई मस्जिद किसी मंदिर पे किसी हिंदू भाई का पैसा नहीं लग सकता, किसी मुसलमान का हराम पैसा मस्जिद में लग सकता, गलत चीज मस्जिद में लग नहीं सकती किसी भी। हाजी खान साहब खामोश हो तो बात की जाए। विष्णु शंकर जैन साथ में है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। क्या बोला आपने पहले? पहले बोला मैंने जय श्री राम के नारे लगाए, यही बोला ना? आप सबने सुना? आप सबने क्या सुना? अभी दिखाइए जय श्री राम के नारे मैंने कहा लगाए? आप तो लगवा रहे थे। मैं लगवा रहे थे? आप लगा रहे थे? आप नहीं लोगों को लेके आए? अंजना जी के शो, एक मिनट, हम अंजना जी के शो में हैं, हम अंजना जी के शो में, एक मिनट चुप रहिए, हम अंजना जी के शो में हैं। मैं पूछ रहा हूँ ये नारे कितने बजे लगे ये बताइए, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होंगे कि ये नारे कितने बजे लगे ये बताइए, आप ये नारे कितने बजे लगे बताइए, गलत बात बोल रहे हो आप आज तक पे, और आप उनको मना कर रहे हो, आप उनको वहाँ पे पता चल रहा है, लोगों को रोकूंगा, आप क्या बात कर रहे हो? अभी आप कह रहे थे ये नारे लगा रहे हैं, तब झूठ बोल रहे थे, अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? करो आप क्यों बोल रहे हैं? क्या था? अच्छा इनका नाम नहीं लिया? इनका नाम नहीं, आपने हाई स्पीड में शूट कर लिया है, और आप गलत कह रहे हैं, आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं यहाँ। अरे इनके साथ में लोग, इन्होंने मना नहीं किया उनको, अब वहाँ पे अंजना जी पत्थर चल रहे हैं, मना कर रहे हैं, वहाँ पे पत्थर चल रहा है, वीडियो है, उसके बाद आप यहाँ पे एक मिनट भी रुकेंगे कोर्ट वाली पहुँचेंगे, जो लोग नारे लगा रहे थे मैं उनको बोलता भैया बिल्कुल बोलना चाहिए था आपको, मैं तो आज तक के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि विष्णु शंकर जैन पर केस होना चाहिए, इस बात के लिए केस होना चाहिए, डीएम साहब ने, और मैं केस जाऊंगा, तो करिए केस, कोर्ट जाऊंगा आपके खिलाफ, जाइए ना, मैं जाऊंगा आपके खिलाफ, यहाँ बताइए क्या, मैं बिल्कुल कोर्ट जाऊंगा आपके खिलाफ, जाइए कोर्ट पर जाऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, एसोसिएशन आपके ऊपर केस करेगी, इस बात से कोर्ट जाएंगे, आज तक पहले चले गए होते आप, आपके ऊपर केस होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए बिल्कुल केस करिए, 101% केस करूंगा, मैं भी करूंगा आपके, बिल्कुल देखिए, मैं कह रहा साहब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने नहीं नारा लगाया, हां मैं बोल रहा हूं मैंने नारा नहीं लगाया, आने वाले को मना नहीं कर रहे हो आप, कह रहे हो मैंने नहीं लगाया, नारा नहीं लगाया, इसका क्या मतलब हुआ? तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा के तब आपने रोका क्या उसको? आपके साथ में है, बोला एक बार भी आके लगा के आपके साथ चल रहा है, ऐलान कर रहे थे मस्जिद से, आपके कानों में आवाज नहीं गई, जबर साहब मना कर रहे थे, आपके कानों में आवाज नहीं गई, जबर साहब पत्थर चल रहे थे, बोला चल रहे थे, जबर साहब ने ऐलान किया नहीं मस्जिद से, माइक से कहा कि शांति बनाए रखो, हत्याकांड मचा हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं, अरे मैं पूछ रहा जफर साहब ने ऐलान किया कि नहीं मस्जिद से, जफर साहब ने ऐलान किया मस्जिद से कि नहीं शांति बनाए रखो, अरे जवाब दो दे इसको, आपको किसने रोका केस करने से? इस डिबेट में मेरे पास रिकॉर्डिंग है, शुरू में दोनों कह रहे थे कि ये नारे लगा रहे थे, यू टर्न लिया इन्होंने क्योंकि वीडियो में आपने कहा, अभी रिकॉर्डिंग दिखाऊं? बिल्कुल दिखा, दिखाएंगे ऑन एयर भी दिखाएंगे, मैंने कहा नारे लग रहे थे, चल रहे थे,
सब आपने बोला है, माइक उठा के बोलिए, माइक उठा के बोलिए, आपने भी कहा कि नारे लगाए हैं, मैंने कहा बोला कि विष्णु जी आपने कहा था नारे लगा रहे थे, मेरे सर पे लगाओ, आपने कुछ बोला लगाओ, बोलो आप बोलो, अरे वो तो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आप चुप हो जाइए, हजारों धमकी दो, कोर्ट जाने की, हम तो कोर्ट में रहते हैं सर, आप आ जाना वहाँ पे, आपका स्वागत है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग